इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रूह कांपनी चाहिए लोगों की कि अपन ऐसा बच्चों का भविष्य बेच नहीं सकते। सरकार को ये कहना चाहूँगा, जो भी इसमें एजेंसियाँ सम्मिलित हैं, कि आप एक इतना बड़े लेवल पे एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, मगर और भविष्य लोगों के सपने, माता पिता की अभिलाषाएं, ये सब एक मात्र एग्ज़ाम की बिना पे टिका हुआ। उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हो, आनन फानन में रिजल्ट उसका निकालते हैं, रिजल्ट में इस लेवल पर धांधलियाँ मिलती हैं, जो एक सेंटर पर जो एग्ज़ाम का फुल मार्क्स है 720, उसमें तो आउट ऑफ आउट बच्चे ला रहे हैं, और वो भी इसके इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है, नीट के इतिहास में एक सेंटर से इतने बच्चे पास हुए। तो ये तो एक जो सजग नागरिक है, थोड़ा भी पढ़ा लिखा हुआ है, वो इस पहली प्रतिक्रिया उसकी यही रहेगी कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। तो मुझे नहीं लगता ये सरकार को और जो भी एजेंसियाँ ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, इनको टाइम लगा होगा कि ये समझने में कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ खामियाँ रही हैं, और उनको मानते हुए त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए इस एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए, और आगे एक अच्छा मैसेज दें बच्चों में कि उनके सपने नहीं टूटे, उनके माता पिता के सपने नहीं टूटे। हमने देखा कि 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के जितने आए थे, तो इससे ये तो साबित होता है कि सब तो डिजर्विंग नहीं होंगे। तो अगर डिजर्विंग कैंडिडेट को सीट नहीं मिलेगा मेडिकल कॉलेज में, तो बच्चों के लिए भी ये काफ़ी अनफेयर रहेगा, उन्हें प्रिपेयर करने का मन नहीं करेगा, जो लोग इतने सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं। हम खुद 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, तो और फ्यूचर नेशन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है कि अगर मेडिकल डॉक्टर्स अगर उतने अच्छे नहीं बन पाए तो। तो हम यही चाहेंगे कि अगर रीनीट हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हुए डिसीजन ले, तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर होगा और नेशन को भी ऑथेंटिक डॉक्टर्स मिलेंगे। नीट के एग्जाम में जिस तरह की गड़बड़ी मिल रही है, उसके लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देश के अंदर जो युवा सबसे पहली एग्ज़ाम देने के लिए 3 साल ड्रॉप करता है, अपने भविष्य को निकालने के लिए सबसे कड़ी मेहनत करके वो अपने भविष्य के अग्रसी पे एक पद पे चल रहा होता है, वहीं पे उसके साथ इतना बड़ा धोखा हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, ये छोटी बात नहीं है। 24 लाख स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया है, 80,000 कॉलेज है पूरे इंडिया के अंदर, 80,000 कॉलेजों के अंदर एडमिशन लेने वाले का भविष्य ब्यूरोक्रेसी के लोग इतने अच्छे तरीके से बेच रहे हैं, इतने स्मार्ट तरीके से बेच रहे हैं। जिस दिन लोकतंत्र का रिजल्ट आने वाला था, अपनी कमियों को और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उसी दिन रिजल्ट जारी करते हैं। इससे बड़ा भ्रष्टाचार युवाओं के साथ कभी हो नहीं सकता। कितना बड़ा धोखा किया है एजेंसी ने। मैं तो केंद्र सरकार से और जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उन सभी से मांग करता हूं कि ऐसी एजेंसियों पर बैन लगे, और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर ऐसी कार्रवाई हो। भविष्य के अंदर ये भ्रष्ट अधिकारी कुछ भी करने से पहले सोचे कि रूह कांपनी चाहिए लोगों की कि अपन ऐसा बच्चों का भविष्य बेच नहीं सकते। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जितने भ्रष्ट लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।